Good morning students. Today we are going to start our chapter comparison. Okay? So students, आज हम comparison सीखेंगे कि हम चीजों को कैसे compare करते हैं. ठीक है? आप किसी भी चीज को compare करते हैं, जैसे कि आपने बोला कि नहीं वो small है, ठीक है? वो big है. आपने बोला दो चीजें आपके पास है, जैसे कि duster और ये chalk हो गई. ओके बच्चों? तो अभी duster हमारा big है या फिर ये, तो आपने इन दोनों को क्या किया है, कंपेयर किया है. आपने दोनों को कंपेयर किया. अगर आप दो चीजों को ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो इनको हम अगर देख रहे हैं कि मतलब ये आपका बड़ा है या फिर ये बड़ा है, ठीक है, तो आपने इन दोनों को क्या किया है, कंपेयर किया है. तो आज हम कंपैरिजन ही सीखेंगे. ठीक है? तो आप चीजों को कैसे कंपेयर करते हैं और क्या हम बोलते हैं, ठीक है, सबसे छोटी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, जो वेरी 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 स्मॉल होता है उसको हम क्या कहेंगे. ठीक है? देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक मैंगो है, ये है आपका मैंगो, देन ये है आपका मैंगो, देन ये है आपका मैंगो. ओके? सो स्टूडेंट्स, अब आप देखो यहाँ पे आपके पास में थ्री साइज है. कितनी साइज है यहाँ पे? थ्री. ओके? ये है आपका, देखो, सबसे बड़ा वाला मैंगो, फिर ये उससे छोटा वाला मैंगो, फिर ये सबसे छोटा मैंगो. ठीक है? तो आप इन्हें कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, हम इसे क्या बोलेंगे, ये है आपका सबसे बड़ा वाला, ठीक है, फिर उसके बाद है ये छोटा, फिर ये इससे छोटा. तो देखो, ये इतना बड़ा नहीं है, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे, जैसे हमने इसे कहा स्मॉल, स्मॉल, और ये क्या होगा आपका, स्मॉलर, एंड ये क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट. क्या बोलेंगे हम इसे, स्मॉलेस्ट. तो ये है आपका स्मॉल, ये है, अगर जैसे हमने ऐसे बोला आपको कि जैसे ये छोटा है, फिर मैंने बोला ये उससे भी छोटा है, एंड ये सबसे छोटा है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे, दिस इज अ स्मॉल मैंगो, एंड दिस इज अ स्मॉलर, एंड दिस इज स्मॉलेस्ट. ओके? हमारे पास में थ्री टाइप्स के मैंगोज हैं, तो आप इसे कैसे बोलेंगे, स्मॉल, स्मॉलर, एंड स्मॉलेस्ट. जो आपका स्मॉल है उसे हम बोल, मतलब छोटा सा ही है, उसको हम बोलेंगे स्मॉल, लेकिन अगर वो उससे भी छोटा है तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर. लेकिन हम बोले सबसे छोटा है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्मॉलेस्ट. जैसे दो चीजें आपके पास में है, टू टाइप के मैंगोज हैं, तो आपको देखो यहाँ पे बताना है कि स्मॉल कौन सा है. तो ये आपका स्मॉल होगा, ये स्मॉलर हो जाएगा. स्मॉलर का मतलब जो स्मॉल होता है उससे भी छोटा. ठीक है? एंड अगर मैंने बोला स्मॉलेस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे छोटा मैंगो. ओके? तो देखो, ये हो गया आपका स्मॉल, वो हो गया स्मॉलर, एंड वो हो गया आपका स्मॉलेस्ट. ओके बच्चों? तो ये बड़ा नहीं था, ये हमारा छोटा ही मैंगो है, फिर ये इससे छोटा है, और ये सबसे छोटा हो गया. तो इस तरह से आप किसी भी चीज के साइज के लिए कैसे यूज करते हैं वर्ड्स का, स्मॉल, स्मॉलर, एंड स्मॉलेस्ट. ओके? तो अब देखो, ये था आपका सबसे छोटा, फिर ये था उससे छोटा, फिर वो था सबसे छोटा. अब अगर हमें यहाँ पर लार्ज दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने बनाया यहां से एक बड़ा सा स्टार बनाया, ठीक है, ये स्टार बना दिया, तो ये कैसा है, ये है आपका लार्ज. कैसा हो गया ये बच्चों, ये हो गया आपका लार्ज. अब देखेंगे, अगर मैं इससे भी बड़ा बनाती हूं तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा लार्जर. ओके? एंड अगर मैंने इससे भी बड़ा बनाया ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, लार्जेस्ट. तो ये है आपका लार्ज, ये है आपका लार्जर, एंड वो हो जाएगा आपका लार्जेस्ट. ओके? तो कैसे हमने यहां पे इसे देखा है, कंपेयर कैसे करेंगे हम, देखो ये है आपका लार्ज, मतलब ये आपका बड़ा स्टार था, फिर उसके बाद मैंने इससे भी बड़ा स्टार बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा. एंड मैंने इससे भी बड़ा बना दिया, तो ये क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया. इन तीनों में आप देखो सबसे बड़ा स्टार कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे,
ये वाला, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये लार्ज है, हम बोलेंगे दिस इज लार्जेस्ट स्टार। ओके, क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट। और अगर मैं इन दोनों में आपसे पूछती कि कौन सा लार्ज है हमारा, तो मैं क्या बोलूंगी, यू नहीं बोलूंगी कि ये लार्ज है, हम बोलेंगे ये लार्जर है। क्यों? क्योंकि ये दो है। अगर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, तो हम क्या बोलते हैं, लार्जर। ठीक है। और अगर हमने थ्री या थ्री से ज्यादा हमने चीजें ली है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लार्जेस्ट। ओके, अगर आप टू थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ओनली टू स्टार्स होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं इसको, लार्जर। ठीक है, जो भी हमारा बड़ा होगा, ये बड़ा स्टार है हमारा, तो हम इसको बोलते हैं लार्जर। लेकिन हमारे पास में अगर थ्री या थ्री से ज्यादा स्टार्स हो गए, तो अगर हमें बोला जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा अगर हम बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, लार्जेस्ट। कैसे बोलते हैं, लार्जेस्ट। तो ये था आपका लार्ज, ओनली बड़ा एक ही है, तो ये आपको बड़ा दिख रहा है, स्टार आप कितने छोटे बनाते हैं, तो अगर ओनली यही होता तो आप क्या बोलते हैं, लार्ज। फिर आपके पास टू थिंग्स हो जाती, तो अगर आपकी जो बड़ी है, तो आप क्या बोलेंगे, दो दोनों की अगर आपको कंपैरिजन करना है, तो क्या बोलेंगे, लार्जर। फिर अगर आपके पास थ्री और थ्री से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे लार्जेस्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर दो चीजों से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करते हैं, लार्जर। लेकिन अगर आपने ज्यादा चीजों को लिया है, थ्री या थ्री फोर, तो आप क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट। ऐसे ही स्मॉल के साथ भी है, अगर आप टू थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं और आपको बताना है, जैसे मैंने ये दो चीजें ली है, कि स्मॉल कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, चौक जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, और अगर आपके पास में थ्री थिंग्स हो गई, जैसे मेरे पास एक ये डस्टर है, एक ये चौक है और एक बुक है। ठीक है, अब आपको इन तीनों में आपको बताना है स्मॉलेस्ट, तो आप कैसे बताएंगे तीनों में स्मॉलेस्ट, मैंने क्या बोला वर्ड, स्मॉलेस्ट, तो आपकी चौक जो है वो स्मॉलेस्ट हो गई। देखो थ्री थिंग्स को मैंने कंपेयर किया, तो मैंने क्या बोला इसे, स्मॉलेस्ट। ओके, तो इस तरह से आप लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट और स्मॉल, स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलर नंबर वर्ड्स का यूज करते हैं कंपैरिजन में। ओके स्टूडेंट।